नमस्कार दोस्तों, अंबुजम के टी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि वीडियो के थंबनेल से आपको पता ही लग गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम के ग्रुप आई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप आई जिसके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पता होता है और ये बहुत ही अच्छा ग्रुप माना जाता है। मेरे हिसाब से तो एक बहुत ही अच्छा ग्रुप है आपके लिए, आपके कैरियर के लिए एक बहुत अच्छा ग्रुप है, क्योंकि इस ग्रुप में आपको डिप्लोमा करवाया जाता है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में। जी हाँ दोस्तों, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग जिसके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पता होता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सारी अपडेट्स हम आपके लिए टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि ग्रुप आई के थ्रू आपको पता है कि आपका जो डिप्लोमा होता है वो होता है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में। दोस्तों, इसके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहता है, बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं रहता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका मन जो है कुछ डिफरेंट करने का है, अगर आपका माइंड सोच रहा है कि कुछ डिफरेंट किया जाए, तो आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका जो माइंड है वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग को आप पसंद करते हैं, आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को पसंद करते हैं, तो बिल्कुल ही आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। इसके कॉलेज को सीमित है और इसमें एडमिशन थोड़ा मिलना हार्ड होता है, क्योंकि इसका एंट्रेंस एग्जाम थोड़ा हार्ड होता है। बट आप जैसा कि देखते हैं कि ये अन्य ट्रेड से भिन्न है, अन्य ब्रांच से आपका भिन्न है और इसमें करियर के अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि इसमें हर किसी को एडमिशन नहीं मिलता, अच्छे लोगों को एडमिशन मिलता है। तो इस ग्रुप की तैयारी आपको जरूर ही करनी चाहिए और इस ग्रुप में आपको एडमिशन जरूर लेना चाहिए। इसके बारे में जो कुछ आपकी एलिजिबिलिटी होती है, जो एग्जाम पैटर्न होता है, जो सिलेबस होता है, उसके बारे में आपको नेक्स्ट स्लाइड्स के थ्रू बताएंगे। तो दोस्तों, आइए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप ग्रुप आई का फॉर्म भरने वाले हैं तो आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास ट्वेल्थ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए, कि यानी कि आप ट्वेल्थ में साइंस साइड से होने चाहिए। अगर आपने ट्वेल्थ पास कर लिया है तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप इस साल ट्वेल्थ में अपेयरिंग कर रहे हैं, अगर आप इसी साल एग्जाम देंगे तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आपके 50% मार्क्स होने ही चाहिए। जो आपके अदर सब्जेक्ट बचते हैं, हिंदी इंग्लिश या अदर को सब्जेक्ट, उसमें आपके कितने भी मार्क्स हों ये डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि आप जो डिप्लोमा करने जा रहे हैं वो आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में करने जा रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि आप ये जो आपकी ट्रेड है ये एक अलग ही ट्रेड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया जाता है आपका डिफेंस से रिलेटेड। तो वहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का अच्छा नॉलेज होना ही चाहिए। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का अच्छा नॉलेज नहीं होगा, खासकर फिजिक्स और मैथ का, तो आप इस ट्रेड में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके एंट्रेंस एग्जाम में ही फिजिक्स और केमिस्ट्री को मेनली जोर ज्यादा जो आपका जोर है वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पर ही ज्यादा दिया जाता है, अन्य सब्जेक्ट्स को छोड़ के। तो दोस्तों, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगा आपको अच्छे से आपने देख लिया होगा, और अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं तो आप इसका फटाफट फॉर्म भर दीजिए। दोस्तों, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। हर ग्रुप की तरह इस ग्रुप का एग्जाम पैटर्न भी आपका सेम ही रहेगा। इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, आपके टोटल 400 मार्क्स के होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। इंपॉर्टेंट यह कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी आपकी। टोटल टाइम ड्यूरेशन आपको 3 आवर्स का दिया जाएगा। हर ग्रुप की तरह इस ग्रुप का भी आपका सिलेबस सेम है, तो सिलेबस को एक बार एग्जाम पैटर्न को आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और एग्जाम पैटर्न को आपको फॉलो करना है। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर आपकी इस ग्रुप में कम रैंक आती है तो, क्योंकि थोड़े से कॉलेज इस ग्रुप में कम है तो कम रैंक पे एडमिशन मिलना मुश्किल होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, हालांकि माइनस मार्किंग को जोड़ा अपने दिमाग में याद रखिएगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, अच्छे नंबर लगेगा, अच्छे रैंक बनेंगे तो आपको अच्छा कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, अब इस स्लाइड के थ्रू हम बात करेंगे कि आपका जो ग्रुप आई का एंट्रेंस एग्जाम होता है पॉलिटेक्निक का, उसका सिलेबस क्या रहता है। एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में आपको पता होगा कि यहाँ पे नहीं बता तो बता दूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से 50% क्वेश्चन आने वाले हैं और मैथ से 50% क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन आपके आएंगे 100, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था। तो इस तरीके से आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से 50% क्वेश्चन बनना है और आपके मैथ से 50% क्वेश्चन बनना है, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों से 25-25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और मैथ से आपका अकेले 50% क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन का लेवल रहेगा आपका इंटरमीडिएट लेवल का, क्योंकि आपको इंटरमीडिएट आपकी एलिजिबिलिटी है, तो क्वेश्चन का लेवल भी आपके इंटरमीडिएट लेवल के रहेगा। अगर आपने ट्वेल्थ में एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी हुई है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, लेकिन अगर आपने किसी अदर पब्लिकेशन की बुक पढ़ी हुई है तो भी आपको अच्छे से कर पाएंगे। थोड़ा सा एनसीईआरटी की बुक्स अच्छी रहती है, लेकिन अदर पब्लिकेशन की भी बुक अच्छी रहेंगी, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से 50% क्वेश्चन, मैथ से 50% क्वेश्चन, और क्वेश्चन का लेवल आपका इंटरमीडिएट का रहेगा, ना ज्यादा हार्ड रहेंगे क्वेश्चन, ना ज्यादा आपके क्वेश्चन मतलब
सरल रहेंगे, क्वेश्चन का आपके जो रहेंगे वो मॉड्यूलर टाइप के रहेंगे, थोड़ा मीडियम क्वालिटी के रहेंगे। उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप उनको आसानी से कर लेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको माइंड ज़्यादा लगाना ही पड़ेगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कीजिएगा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि अगर आपकी इसमें ग्रुप में अच्छी रैंक नहीं आती तो एडमिशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कॉलेज उसमें थोड़े कम है। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अडॉप्ट किया जाए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए जाएँ। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, कुछ अपने व्यूज आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ग्रुप आई में एडमिशन लेने वाले हैं तो आप आराम से ग्रुप में एडमिशन ले सकते हैं। इस ग्रुप में बहुत ही कम लोग ट्राई करते हैं, बहुत ही कम लोग एडमिशन लेते हैं, क्योंकि ग्रुप में एडमिशन मिलना थोड़ा हार्ड होता है। और इसमें आपको जैसा जानते हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की आपको ट्रेड मिलती है, इसमें आपके करियर के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं, बहुत ही अच्छे से आप इसमें ग्रोथ कर सकते हैं। तो फिर आप अच्छे से एडमिशन लीजिए। और तो फिलहाल करें तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।